सो स्टफ डॉट अपर किया तो इसने इसको अपर कर दिया, और जब आपने स्टफ को प्रिंट किया तो क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है और उसने एक नई स्ट्रिंग रिटर्न की थी, उस वेरिएबल में जो कंटेंट्स मौजूद थे उनको उसने चेंज नहीं किया था, इसी वजह से जब आपने स्टफ को दोबारा प्रिंट किया तो आपको सारे के सारे एक करेक्टर ओरिजिनल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आपने अगर कोई करेक्टर फाइंड करना है तो आपके पास फाइंड का मेथड है, स्टफ डॉट फाइंड किया कोई करेक्टर डी तो आपको वो पता चलेगा कि ये 10th इंडेक्स पे आ रहा है। इसी तरीके से सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स भी आप फाइंड कर सकते हैं, स्टफ डॉट फाइंड एलो। फाइंड फंक्शन को यहाँ पे आप दो पैरामीटर पास किए जा रहे हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, किसी फंक्शन में आप जाएं और शिफ्ट टैब प्रेस करें तो उसकी आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें नजर आ रही हैं, एक है सबस्ट्रिंग, फिर उसके बाद है ऑप्शनल पैरामीटर्स, और आप बता रहे हैं कि स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। तो पहले वाले केस में जो दूसरे पैरामीटर्स थे वो ऑप्शनल थे, तो उस केस में वो स्टार्ट से उस सबस्ट्रिंग या स्ट्रिंग को सर्च करना शुरू कर देता। अब हमने ये कहा कि फोर्थ इंडेक्स के बाद से आपने एल को फाइंड करना है। अब जब आप फोर्थ इंडेक्स के बाद से उसने एल को फाइंड करना स्टार्ट किया तो उसको ये वाला एल मिला, जब हमने पहले सिंपल एल को फाइंड करने के लिए कहा तो उसको यहाँ पे वैल्यू मिल रही थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको एल करता हूँ तो ये सेकेंड इंडेक्स वाला करेक्टर मिल रहा है। अगर आपके पास स्ट्रिंग में एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं और आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो जिस तरह इस केस में आपके पास लाइन में एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गए तो आप स्ट्रिंग स्ट्रिप के फंक्शन को कॉल करते हुए एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर सकते हैं। सिमिलरली आप ये देखना चाह रहे हैं कि कोई सेंटेंस किसी स्पेशल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट विद फंक्शन आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है, इस केस में आपको वो फॉल्स रिटर्न करेगा। कोई गेस करेगा कि क्यों? गुड, इस वजह से कि यहाँ पे पी कैपिटल है और यहाँ पे पी स्मॉल है, और अगर आप इसको इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं तो आप लाइन डॉट लोअर को केस लाइन डॉट लोअर डॉट स्टार्ट विद करके इसको रन करेंगे, तो अब इनपुट में हमारे पास चाहे कैपिटल आ रहा हो चाहे स्मॉल आ रहा हो तो वो तमाम तरह के केसेस को हैंडल कर लेगा और इस चीज़ को फाइंड कर लेगा। स्पेशली इस तरह की प्रोसेसिंग हमें इस वक्त करने की जरूरत पड़ती है जब आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। स्ट्रिंग पार्सिंग, सो इसमें अब आपको मैं ये पीस ऑफ कोड रन करके नहीं बताऊंगा बल्कि आपने खुद इसको अंडरस्टैंड करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपके पास टेक्स्ट में ये स्ट्रिंग आ गई है और आप अब इस स्ट्रिंग में से, सॉरी मेरी जरा ड्राइंग बड़ी पुअर है, बल्कि इसको इस स्ट्रिंग में से आपको अब एक्सट्रैक्ट करना है दो चीजें, एक असाइनमेंट में और एक यहाँ पे। जो आपको दो चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है, एक है कि आपको स्ट्रिंग में से ईमेल एड्रेसेस फाइंड करने, और आपको ये बताना है कि इसमें से नेम कौन सा है और उसमें से डोमेन कौन सी है। इन अदर वर्ड्स, जब आप इस स्ट्रिंग को पार्स करें तो आपके पास नेम में स्टीफन डॉट मार्कर्ड आ जाए और डोमेन में आपके पास यू सी टी डॉट ए सी डॉट जेड ए आ जाए।